पहले इसके थोड़े ब्राउनिश कलर थे ना, हाँ, बहुत ज्यादा ब्राउन थे तो मैंने, अब विलन ने ऐसे कलर कर जाएंगे जब सुपना का की नाक कट लेगी ना हम जाएंगे और तब आपको भी दिखाएंगे, तब हमारे साथ देखना आप भी जो लोग नहीं जा पा। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके फिटनेस व्लॉग। और होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज हल्द्वानी का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा, पूरे बादल ही बादल। हल्द्वानी का मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है और पूरा खुला खुला मौसम हो रहा है, अच्छे धूप आ रही है। और दिल्ली में तो मौसम बहुत बारिश वाला हो रहा है, पता नहीं आ सकती है बारिश कभी भी, तो वहाँ मौसम बहुत वैसा हो रहा है। तो बस यही हमारा चल रहा है, अब हम आपको मिलेंगे थोड़ी देर बाद। शाम का वक्त हो चुका है और मैं जा रही हूँ आरवी के साथ रामलीला देखने, तो सीधे आपको वहीं दिखूंगी और आप मेरे साथ ज्वाइन होगा, देखिएगा कैसी कैसी लीला चल रही है। तो घर से मैं निकल चुकी थी और आ गई थी रामलीला ग्राउंड के पास, और आते आते देखा तो यहाँ बहुत सारी लाइटें जल रही थी, आरवी मेरे साथ आ गई थी। और आते आते उसने मुझसे कहा देखो स्टॉल लगाया, शिवजी जी के स्टॉल्स हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं तो ले लो। मैंने कहा चलो जब जाऊँगी तब लूँगी। और यहाँ बहुत ज़्यादा चहल पहल हो रही थी। राम राम कही राम कही राम राम कही राम पर और यहाँ पर देखिए कितने स्टॉल्स लगे हुए, एंटर करते सारे इतने भर भर के स्टॉल्स लगे हैं जहाँ धनुष्वार और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बच्चों के खिलौने बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लोग खरीद पी रहे हैं बैठे हैं। और बहुत रश हो रहा था, एंटर स्टार्ट ही कर रहे थे तो इतनी भीड़ थी, और जब वहाँ जाएंगे तो आगे की तरफ को कितनी भीड़ होगी, तो बहुत रश हो रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे लाइटें और सब कुछ देख के, रहती पब्लिक देख के बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे बोल रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप भी हमारे साथ देखिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आपको भी अच्छा लगेगा माहौल बहुत अच्छा। तो हम वहाँ एरिया में आ गए थे जहाँ लेडीज़ और बच्चे बैठे हैं, और ये देखिए आ गया रामलीला मैदान, मंच आ गया जहाँ रामलीला चल रही है। और अभी यहाँ पर चल रहा है कि भरत जी बोल रहे हैं केकई माँ से कि तुमने राम जी को वहाँ वनवास के लिए क्यों भेज दिया, तो ये लीला चल रही है। और ये सब यहाँ पर आप देखते रहो। सेवक जो है भरत के ननिहाल में पहुंचे, वहां जाकर के भरत शत्रुघ्न को प्रणाम किया और कहा कि गुरु ने आपको यथाशीघ्र महल अयोध्यापुरी में बुलाया। उन्हीं की आज्ञा सुनकर के भरत जी यथाशीघ्र वहां से अयोध्या की तरफ चले। मार्ग में देखते हैं अनेक प्रकार के अनर्थ हो रहे हैं, अयोध्या लेकिन बीच में ही विधाता ने काम बिगाड़ दिया। जो महाराजा ऐसा सुनते ही भरत जी व्याकुल हो गए, हाँ पिताजी तुम हमको छोड़ करके कहाँ चले गए। पिताजी पिताजी घुमाते हुए भरत जी भाई पृथ्वी पर कहने लगे पिताजी पूछने लगे हे माता पितु के मरने का
पुत्र के वचन सुनकर एक इस प्रकार से बोले, मानव भाव को समझ करके भी छूटर के गए ने अपने मन में प्रसन्न होकर के आरंभ से सबका भूत का वर्णन किया। मंत्रा की एंट्री हो गई और इसमें दिखाया है कि कैसे मंत्रा ने केकई माँ को कैसे कन्विंस करा राम जी को वनवास भेजने के लिए। हम पार्लर आ गए हैं देख के और बहुत अच्छा लगा देखते हुए, मगर बहुत रश था ना इसलिए हम वापस आ गए फटाफट। कल जाएंगे जब सुबना का नाक कट लेंगे ना, हम जाएंगे और तब आपको भी दिखाएंगे। तब हमारे साथ देखना आप भी, जो लोग नहीं जा पाते हैं तो वो ऐसे भी देख सकते हैं हमारे थ्रू। हम जा रहे हैं तो हमारे थ्रू हम आपके लिए मेहनत करेंगे, वहाँ पे ब्लॉग बनाएंगे और आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। यही नहीं आता मुझे बोलना यार, वो हो जाता है कभी कभी। तो आप वैसे भी देखते रहना और हम आपको दिखाते रहेंगे सब की सब चीजें। और गाइस बताना, मैंने अपना हेयर कलर खोल के दिखाओ ना, दिखाओ मेरे पहले इसके थोड़े ब्राउनिश कलर थे ना, बहुत ज्यादा ब्राउन थे तो मैंने, अब इन्होंने ऐसे कलर करे हैं, दिखाओ पूरे पूरे ब्लैक कर दिए हैं, अच्छा लग रहा है ना। ये पूरा पीछे का भी लुक दिखाना, इसे करके पूरा बैक साइड, ये हाँ, ये इसकी बहुत बड़ी है और स्टाइल से और इसके नेचुरली रिवॉन्ड हुए हुए ना, नेचुरली स्ट्रेट है तो वो अच्छे लगते है। काश मेरे भी ऐसी होते, मेरे कल है, इसको मेरे कल पसंद है, इनके अच्छे लगते है देखो इसको मेरे अच्छे लगते हैं, मगर मुझे स्ट्रेट अच्छे लगते हैं। अरे जिसके कर्ल होते हैं उसको स्ट्रेट पसंद आते हैं और जिसके स्ट्रेट होते हैं उसको कर्ल पसंद आते हैं। बताना गर्ल्स ऐसे ही होता है कि कमेंट में जरूर बताना कि जिसको कि जिसको कर्ल्स नहीं चाहिए उसको कर्ल्स मिल जाते हैं और जिसको स्ट्रेट नहीं चाहिए उसको स्ट्रेट मिल जाते हैं। वैसे भी जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है ना, सही बात 100% बात कही है कि जो हम चाहते हैं, 100% सच बोला है मैंने, सच सही बात कह रही है लड़की, सही कह रही है, दिल से बोल रही है, जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है, हाँ। जो नहीं चाहते हैं वो हो जाता है, वो हो जाता है, सीरियसली सही बात है। तो बस इसमें तो क्या ही कर सकते हैं हम, अभी इनको गर्मी लग रही है, मैं एसी चलाने का मौसम नहीं हो रहा है, ठंड हो रहा है लेकिन मैं पंखा चला, हाँ फैन खोल देते हैं क्योंकि मेरे तो स्वेट सबसे पहले आता है पता नहीं क्यों। तो खुल गई है, हमारे बाल आज का ब्लॉग में यही एंड करती हूँ। होपफुली आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे कल मिलेंगे। सो जेके फिटनेस ब्लॉग को लाइक एंड सब्सक्राइब ढेर सारा करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और बस टिल देन बाय बाय, कल मिलते हैं।